हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। इन दिस वीडियो वी विल डू फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। डीएवी स्कूल्स के जो बुक हैं उनका ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा साइंस का, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, स्पेशली इन प्लांट्स। सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट न्यूट्रिशन, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हम मेन मेन चीज़ें जस्ट पढ़ेंगे, ओके। सारा का सारा चैप्टर जो है वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो जस्ट मैं आप लोगों को आप मेन बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगी कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, ठीक है बच्चा, ओके। सो फर्स्ट पैसेजेस, इन क्लास सिक्स वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अवर फूड। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो सिंपल सी चीज़ ये आप लोगों को यहाँ से समझ आ रही होगी आई थिंक, कि जो चीज़ें हम खाते हैं अब उनसे हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा है ना, हाइलाइटेड, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो हम चीज़ें खाते हैं उनसे हमें जो प्रोवाइड होती हैं, इन सबको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स, ओके। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेजेस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, सो सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बोलें तो न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है, टू डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, टू ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टू डैमेज जो पार्ट्स हैं, रिपेयरमेंट ऑफ दोज डैमेज पार्ट्स, सो ऑल दोज थिंग्स हेल्प न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, व्हेन वी टेक फूड, व्हेन वी ईट समथिंग, सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिसीव बाय आवर बॉडी, ठीक है, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है बच्चा, सिंपल सी चीज़ थी। अब आगे आ जाता है न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडीज। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी लेती है, एंड व्हेन आवर बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है न्यूट्रिएंट्स को, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जब हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है उस फूड को और ऑब्टेन करती है, एब्जॉर्ब करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। On the basis of food habits, the modes of obtaining the required nutrition by the body have been divided into following two categories. जो nutrition है, अब हमारी body nutrition कैसे लेती है, हम खाना खा रहे हैं, मुँह से खा रहे हैं ना, but हर चीज़ जो है वो ऐसे human की तरह nutrition नहीं absorb करती है, nutrition नहीं लेती, उसको अलग अलग तरीक़ों से nutrients मिलते हैं, तो उसके लिए कुछ categories इन लोगों ने divide कर रखी हैं बच्चा। तो उनकी categories जो हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इन दिस मोड न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीक जो है, ग्रीक वर्ड से ये ऑटोट्रॉफ जो है वर्ड जो है वो लिया गया है। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, जैसे ऑटोमेटिक सुना होगा आप लोगों ने, है ना, और ट्रॉफ का मतलब होता है यहाँ पर न्यूट्रिशन, ठीक है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ओके। इन दिस मोड, इसमें न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड और मेक देयर फूड बाय देयर ओन, वो अपने आप अपना खाना बनाते हैं सिंपल रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, जैसे प्लांट्स। अब प्लांट्स को हम खाना देने नहीं जाते, है ना, प्लांट्स को हम उनके मुंह में खाना नहीं डालते, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ओके बच्चा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल रॉ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, अपना फूड खुद से नहीं बनाते, वो अपने फूड के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं, किसी और पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड सम फ्यू प्लांट्स, ह्यूमन बींग इज ऑल्सो हेटरोट्रॉफ। क्यों हेटरोट्रॉफ है वो, क्योंकि हम अपना खाना खुद से खुद नहीं बनाते, हम दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। अब आप ये सोचोगे कि मैम हम अपना खाना खुद ही तो बनाते हैं किचन में जाके, लेकिन आप किस चीज़ से बना रहे हो, आपको दाल, चावल, सब्जी, चिकन, मटन, एग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो चीज़ है जब हम किसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनके बिना हम खाना नहीं बना सकते। तो सिंपल सी चीज़ है हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, जिसके लिए हम किसी पर डिपेंड होते हैं, ओके बच्चा। ये भी इन ग्रीक जो है, हेट्रॉन का मतलब जो होता है अदर्स, ठीक है, किसी और पर डिपेंड, अदर मतलब कोई और।
अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाई यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कैप्चर बाई क्लोरोफिल। अब यहाँ पर ये प्लांट जो है ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफ, और ये क्या बोल रहा है कि मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। उसके बाद में जो ये डियर है ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन, आई डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब जो ये हिरन है ये खुद से अपना खाना नहीं बनाएगा, है ना, उसको क्या करना है, घास खानी है, तो उसको घास की ज़रूरत है, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है खाना खाने के लिए, बनाने के लिए अपना, है ना, तो इसलिए वो हेटरोट्रॉफ है। ओके बच्चा, अब ये आ जाता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ न्यूट्रिशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम से क्लियर है। अगर आप ये फ्लो चार्ट भी पेपर में बना के आते हैं ना तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो जहाँ जहाँ फ्लो चार्ट बन सकता है बनाया करो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक ऑल ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और पिक्चर प्लांट जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। आगे जो है हेटरोट्रॉफ में तीन कैटेगरी आ जाती हैं। अब ये बनाते तो सारा दूसरों पर डिपेंड होकर खाना है, लेकिन इनके टाइप हैं। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक क्या है, फंगी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, डेड एंड डीकेइंग एनिमल, डेड सब्सटेंस, डेड ऑर्गेनिजम्स पर रहकर अपना खाना बनाते हैं। पैरासाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपना खाना उनसे लेते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक जो है वो ह्यूमन है, जो बाय माउथ जो है वो अपना खाना ग्रहण करते हैं या फिर इनटेक करते हैं, ठीक है। आगे इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम फोटोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं। क्या करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, बहुत सारी बार हमने ये वर्ड सुना हुआ है ना, बट इसका मीनिंग क्या होता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर इन देयर लीव्स। खाना जो है प्लांट का कहाँ बनता है, उनकी लीव में बनता है। फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, उनको जो है फूड फैक्ट्री बोला जाता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, जो लीव के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है ना, जिससे हमारी लीव ग्रीन ग्रीन नज़र आती है, वो क्या होता है, क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी। वो क्या हेल्प करता है, लीव को एनर्जी को कैप्चर करने में, एनर्जी को लेने में, अब्जॉर्ब करने में, किससे, सनलाइट से, ठीक है। द एनर्जी इज यूज बाई प्लांट्स टू सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, जो एनर्जी है जो क्लोरोफिल जो है ले रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल जो है अपने पास ले रहा है सनलाइट से, वो एनर्जी यूज़ की जाती है प्लांट्स को किस लिए, फूड बनाने में, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो आई होप टिल दिस टॉपिक यू हैव क्लियर द चैप्टर एंड यू हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स। वी डिड मैनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लाइक हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, सब अदर पार्ट्स आर सेप्रोट्रॉफ, ओके, एंड सम अदर आर पैरासाइट्स एंड होलोजोइक, ठीक है। आगे जो है देखिए, फोटो का मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। एज इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द प्रोसेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन अभी आप आगे पढ़ेंगे ये क्या है, इसमें आपको डरना घबराना नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन से मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हैं रिएक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है दोनों मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज लिखा हुआ है, और ये किसकी हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है बच्चा। तो ये इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, इसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप ये देख सकते हैं, यहाँ से सनलाइट मिल रही है और लीव जो है वो ऑक्सीजन और रिलीज कर रहे हैं, और ग्लूकोज जो है वो बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल सिंपल सा है, हम ज़्यादा नहीं डीप जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं और मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ओके बच्चा, आगे जो है वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। फ्रॉम हेयर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट्स, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द वेसल्स आर ट्यूब्स दैट रन थ्रू आउट द रूट टू द स्टेम एंड द ब्रांच एंड द लीव्स। यू विल लर्न अबाउट दिस चैप्टर एट में हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। जो हमारी सॉइल होती है ना बच्चा, वो क्या होती है, नीचे जड़ के पास जहाँ पर जड़ होती है, रूट होती है, तो वो क्या करती है, वो रूट जो है हमारे सॉइल से एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स जो है वहाँ से रूट से जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसमें,
प्लांट्स के अदर पार्ट्स में, और वो जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो क्या होती हैं, वेसल्स। वेसल्स क्या करती हैं, आपके पास क्वेश्चन आएगा, वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जो वेसल्स होती हैं वो होती क्या हैं, यहाँ से देखिए, वेसल्स आर द ट्यूब दैट रन थ्रू आउट द रूट, जो रूट से स्टार्ट होती हैं, रूट से चलती हैं और आगे जाके क्या करती हैं, रूट स्टेम और ब्रांचेस एंड लीव में होते हुए चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है नसें, जैसे जिसको हम नसें बोल सकते हैं, हमारे अंदर मसल्स होती हैं ना, नसें जो दिखती हैं हमारे हाथ पैरों में वो सारी। ठीक है, तो प्लांट्स में वेसल्स होती हैं। ठीक है, आगे, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू आउट टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द स्पेशल सेल्स, गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा है वो क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, जो लीफ के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं ना, छोटे 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 छेद, उनको जो है हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, एंड द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, और जो स्टोमेटा होता है वो सेल से घिरा हुआ होता है इस तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, आई होप इतना समझ आया। ओके, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। आगे आ जाता है सनलाइट। सनलाइट क्या है, सिंपल सी चीज़ है, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, दैट इज वाई द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसाइज मीन्स कंबाइन। अब ऐसा नहीं है आप लोगों को इनको अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, आपको जस्ट एज वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, नो नॉट लाइक दैट, आप लोगों को अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज, यू कैन यूज योर ओन टोन, ठीक है, एंड योर ओन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बट इट शुड मेक सेंस। ओके, इसमें कुछ सेंस बनना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख कर आना है, कुछ ना कुछ सेंस जरूर बनना चाहिए जो आप लिख रहे हैं। ठीक है बच्चा, देन क्लोरोफिल, द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, अभी पढ़ा हमने, इट हेल्प्स द लीव्स, ये हेल्प करता है लीव्स को किसमें, टू कैप्चर द सोलर एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, यही एनर्जी जो है वो प्रिपेयर करती है फूड किसकी हेल्प से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। ठीक है, अब ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम प्लांट्स, डू यू नो मे, सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर, सच लीव्स कंटेन क्लोरोफिल बट द ग्रीन कलर इज मास्क्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर पिगमेंट, द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पिगमेंट कॉज अदर लीव कलर्स सच एज रेड इन कलर्स, पर्पल इन रेड कैबेज, हाउएवर सच लीव्स कैन स्टिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कुछ लीव्स जो होती हैं वो कलर में ग्रीन नहीं होती, अब हमें ये लगेगा इसमें तो क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि ग्रीन नहीं है, बट ऐसा नहीं है, क्लोरोफिल इनके अंदर होता है बट इनके ऊपर ना डिफरेंट दूसरे कलर की लेयर चढ़ गई है तो क्लोरोफिल हमारा छुप जाता है। ठीक है, बट ऑल्सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दीज टाइप्स ऑफ लीव, डिफरेंट कलर में भी क्लोरोफिल होता है। ओके, हाउएवर सम वेरिएटेड लीव्स हैव येलो पैचेस, such yellow areas on the leaf do not contain any chlorophyll and hence cannot perform photosynthesis. अब ये बोल रहे हैं कुछ लीव के अंदर जो है वो येलो पैचेज होते हैं, येलो पैचेज मतलब येलो निशान, येलो डॉट्स। ठीक है, वहाँ पर जो है क्लोरोफिल नहीं बनता और वो पत्तियाँ क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं करती, मीन्स क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करती। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज अ यूनिक प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस दैट सप्लाई फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द एनर्जी ऑफ द सन दिस गेट्स पास्ड ऑन ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू प्लांट्स, प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन needed by all living organisms for respiration. Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? तो बोल रहे हैं कि जो photosynthesis है ना वो सारे living organism में help करता है। अब सोचो तुम लोग अगर food अपना खाना नहीं बनाएंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, अगर plants नहीं होंगे तो हमारे को oxygen कैसे मिलेगी, plants oxygen produce करते हैं, अगर हमें oxygen नहीं मिलेगी तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, क्या living organism जिंदा रह सकता है, no. So we cannot imagine our life without the process of photosynthesis. Okay? Next, both deer and lion depend on plants. If there were no plants, deer would not survive. And if there were no animals like deer, the lions too would die. Plants in turn depend on solar energy. Hence, solar energy is the ultimate source of energy for all living organisms. अब ये वही बोल रहे हैं कि solar energy से ही तो सारी चीज़ें होती हैं. सूरज की रोशनी नहीं होगी तो plants photosynthesis process नहीं करेंगे. Plants नहीं करेंगे तो plants जिंदा नहीं रहेंगे. अगर plants जिंदा नहीं रहेंगे तो जो plants खाने वाले animal हैं वो कुछ नहीं खा पाएंगे और वो कुछ नहीं खा पाएंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे और वो जिंदा नहीं रहेंगे तो लायन हो गया और ऐसे जो हो गए जो क्या चीज़ें खाते हैं नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे तो ऑलमोस्ट सारा सर्कल जो है वो बिगड़ जाएगा है ना। नेक्स्ट,
प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या, ये आप लोग खुद पढ़ लेना, बट मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और उसके बाद जो वो कन्वर्टेड टू स्टार्च हुज प्रेजेंस इन द लीव, जो लीव के अंदर स्टार्च अवेलेबल होता है ना, उसको जो है वो कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ इसके अंदर कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है बच्चा, ओके। और इसके अंदर नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, आगे हम पढ़ते हैं जो मेन चीज़ें हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सम प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब क्या है वो, ये देखो मैंने भी पढ़ा था ना, येलो पेचेज होते हैं जो, अब येलो पैचेज जो हैं वो इसके अंदर भी हैं। दिस इज कॉल्ड अमरबेल, ठीक है, कैस्कटा प्लांट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है हेटरोट्रॉफिक तो है, बट ये हेटरोट्रॉफिक का एक अलग पार्ट है, ये अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड है। तो कैस्कटा जो है सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड, क्योंकि अब इनकी येलो ग्रीन पिगमेंट तो है नहीं, तो क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना, तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत होती है इनको। और इस वजह से ये जो अमर बेल है ये क्या करती है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये येलो कलर की होती है, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, पूरी फैली रहती है, पेड़ों को भर लेती है ये पूरा का पूरा। तो ये जिसके ऊपर होती है ना उसको हम होस्ट बोलते हैं, जहाँ पर ये चढ़ी है जिस प्लांट पर उसको होस्ट बोलते हैं, और ये उस प्लांट से एनर्जी लेती है, उस प्लांट से एनर्जी लेकर अपना न्यूट्रिशन जो है वो कवर करती है, अपना न्यूट्रिएंट जो है उनसे लेती है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप हुआ, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड पैरासाइट, ओके। और पैरासाइट जिनसे खाना ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड होस्ट, ओके। सो द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज इज नोन एज होस्ट, तो जिसके ऊपर ये रह रही है उसको हम बोला जाता है होस्ट, ठीक है बच्चा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट टिल देन दिस टॉपिक, सो यू कैन डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन, ओके। एंड सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू so much. Bye-bye.